My name is Usman Khalid. Today we discuss about biology and some major fields of specialization. First of all, we discuss about definition of biology. Study of living things is called biology. कतल लिविंग ऑर्गेनिज्म की को स्टडी करना क्या कहलाता है बायोलॉजी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेज इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर. कहते हैं हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं. क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम नेचर के जो डिफरेंट प्रिंसिपल है उनको अच्छी तरह क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. बायोलॉजिस्ट डील विद लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर एंड नॉन लिविंग थिंग. कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट दो चीज़ों के साथ डील करते हैं. एक तो ज़ाहिर बात है बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें लिविंग पार्ट्स होंगे. और दूसरी चीज़ है नॉन लिविंग थिंग्स. कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं, अफेक्ट कैसे कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, ये रात को लो टेलिंग को हाई हो जाता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. इसी तरह एयर है, एयर की अगर कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी. सो कहने का मतलब है कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है उसको हम कहने किसमें स्टडी करेंगे, बायोलॉजी. इन दोनों चीज़ों को हम स्टडी करते हैं ताकि अपने नेचर के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें और बेटर तरीके से क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें. बायो लिटरली मीन होता है लाइफ और लगोज का मीनिंग है थॉट और रीजनिंग. सो डेफिनेशन क्या होगी बायोलॉजी की? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. देन वी डिस्कस अबाउट लाइफ. कहते हैं लाइफ की डेफिनेशन करना बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? कहने कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो बायोलॉजी के स्कोप में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या? कहता है ये बायोलॉजी का सवाल का जवाब नहीं देती. इसी तरह दूसरा सवाल है व्हाई शुड देयर बी लाइफ, इस दुनिया में ज़िंदगी क्यों है? कहता है ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर सवाल बायोलॉजी नहीं देती. तो फिर बायोलॉजी लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करती है, कैसे डिफाइन करती है? कहता है कि बायोलॉजी बताते हैं कि हाउ लाइफ वर्क्स, लाइफ वर्क कैसे करते हैं. इस बेस पे हम लाइफ की क्या करेंगे, डेफिनेशन कि लाइफ वर्क कैसे करती है, कि लाइफ चलती क्या चल कैसे रही है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं. ठीक है, तो कैसे लाइफ को डिफाइन करेंगे, ओनली बेसिस ऑफ हाउ लाइफ वर्क. कहते हैं लाइफ बायोलॉजिस्ट ने लाइफ कैसे डिफाइन किया कि लाइफ क्या करती है, लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करती है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करती है, फर्क करती है. ये आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग. तो पहला कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन आर मोर सेल्फ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल्फर मुश्किल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, वो एक सेल्फर मुश्किल होता है. वो अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज सिर्फ एक सेल के जरिए ले के चलता है. उसी तरह कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर सेल्फर मुश्किल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग हमें ट्रिलियन ऑफ सेल पाए जाते हैं. तो कहने का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल पर भी मुश्किल कर सकता है और एक से ज़्यादा सेल पर भी. इसी तरह सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम हार्डवेयर करेक्टरिस्टिक्स. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, जेनेटिक प्रोग्राम. जेनेटिक प्रोग्राम में हेरिडिटरी मटीरियल आ जाता है, DNA RNA न्यूक्लियोटाइड के लिए. ठीक है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हेरिडिटरी मटीरियल क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी डिस्टिंग्विश करता है. और जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है तो वो किस बेस पे होती हैं, ओनली बेसिस ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम. इसी तरह तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अक्वायर एंड यूज एनर्जी. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी को हासिल करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं. कैसे हासिल करते हैं एनर्जी को, ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं वो अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, या हम क्या कर रहे हैं एनर्जी को अक्वायर कर रहे हैं, और फिर इसको हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम डिफरेंट काम करते हैं, तो वो सिर्फ किस बेस पर करते हैं, एनर्जी हासिल करके फिर उसको क्या करते हैं यूज करते हैं। उसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में रेस्पिरेशन काम हो रहा है, ग्रोथ काम हो रहा है, जितना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये क्या डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, बेशुमार केमिकल रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन साइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं साइल में ग्रो करते हैं, जैसे प्लांट्स में पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो मतलब कि सेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल क्या करते हैं मतलब सर डिवीजन करते रहते हैं। उसके बाद छठी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर डेली बेसिस भी चेंज होता रहता है और सीजनल भी चेंज होता रहता है, रात को टेम्परेचर लो हो जाता है, दिन को टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है एक 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है मेंटेन रहता है, एक वो मेंटेन रहता है। ये हमारी बॉडी क्या करती है होमियोस्टेसिस, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है इंटरनल एनवायरमेंट को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है कि प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्या प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग दो तरह से प्रोड्यूस सेक्सुअल भी प्रोड्यूस होते हैं और एसेक्सुअली भी। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरमेंट, के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने एनवायरमेंट को क्या करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं बॉरोज बना कर रहते हैं। इसी तरह हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम गर्मियों में लाइट कपड़े पहनते हैं जबकि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, ताकि हमारे अंदर हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो लॉस ना हो और हमें इन्वायरमेंट के जो ट्रेंड फ्लक्चुएशन हो रही है उससे बच सकें। देन वी डिस्कस अबाउट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहले ब्रांच बायोलॉजी, तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिलेशन टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके पढ़ना, उसको किसमें स्टडी करना है इकोलॉजी में, फॉर एग्जाम्पल एयर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इफेक्ट कर रही है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा से क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं और बदले में से क्या दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, ये क्या डिफरेंट क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनके साथ तल्लक किसको स्टडी करेंगे हमें इकोलॉजी में। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी में हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टडीज देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग और स्पर्म कैसे फर्टिलाइज हो रहे हैं, वो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जाइगोट कैसे बनेंगे, इंडिविजुअल कैसे बनेंगे, मतलब डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस देखेंगे। फिजियोलॉजी, उसके बाद फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शन को स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर चलते कैसे हैं, इसी तरह और भी डिफरेंट फंक्शन है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके फॉर्म एंड इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल हमें ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, लीवर हो गया, किडनी हो गई, ये वो हो गया, ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी किस में करेंगे मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद प्लांटोलॉजी, प्लांटोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल क्या होते हैं, कहते हैं कि फॉसिल होते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका इस दुनिया में कोई एक इंडिविजुअल भी जिंदा नहीं है, एक इंडिविजुअल भी जिंदा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, कहते हैं उनके रिमेन्स जो बकाया ज़्यादा उनको स्टडी उनकी स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग प्लांटोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी में कहता है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज को स्टडी करना हिस्टोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू उनकी स्टडी जो होगी उसमें हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी। उसके बाद है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कहते हैं
एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, मतलब कि हर स्पीशीज का आबाजदार कौन है, हमारे आबाजदार कौन है, हम हमारी नस्ल कहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के, हर स्पीशीज की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को जानना कि वो कहाँ से शुरू हुई है, उसको हम किस में स्टडी करेंगे एवोल्यूशन में। उसके बाद सेकेंड लास्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम किसको स्टडी करेंगे, हेरिडिटरी मटीरियल को। हेरिडिटरी मटीरियल में दो चीज़ें, डीएनए और आरएनए, कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस। क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये सब स्टडी किस में करेंगे, जेनेटिक्स में। उसके बाद है जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी, जू कहते हैं हम एनिमल को, जियो कहते हैं हम अर्थ को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, जू जियोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। रेफरेंस, इट इज दिस लेक्चर इज टेकन फ्रॉम इंटरमीडिएट पार्ट वन या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर पेज नंबर 1। Today lecture, hopefully it is helpful for you in your studies. Thank you. Best of luck.